विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, वो ताड़का राक्षसी कहीं से भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, इसलिए अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लो। राम जी ने अपनी धनुष की डोरी चढ़ा ली और बाण हाथ में ले लिया और विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। जब और आगे बढ़े जंगल में तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा, हाँ मार देंगे। फिर थोड़ी दूर आगे चले तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, अगर ताड़का आ जाए तो उस पर दया मत करना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। विश्वामित्र जी सोचने लगे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर शस्त्र कैसे उठावें, तब तक तो हम सबको मार डालेंगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा, गुरु जी मार देंगे। फिर आगे बढ़े, थोड़ी दूर जाने के बाद विश्वामित्र जी ने फिर कहा, राम, जो स्त्री सारे दुनिया के लिए काल बन जाए, जो सारे विश्व को नष्ट कर दे, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं होता है राम, ताड़का आवे तो मार देना। राम जी ने कहा, हाँ मार देंगे। फिर आगे बढ़े, फिर जाने के बाद फिर विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, ताड़का अगर आ जाए तो मार देना। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया था, क्योंकि शुक्राचार्य की मां सारे विश्व को समाप्त कर देना चाहती थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्तीं काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने इसीलिए मारा था कि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहे। इसलिए राम, ये ताड़का भी बड़ी खतरनाक है, आ जाए तो इसे मार देना। दूसरा भाव ये था कि राम, तुम तो विष्णु के अवतार ही हो और विष्णु ने भी ये काम किया है, तो तुम्हारे लिए कोई नया काम नहीं है, इसलिए ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। फिर आगे चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ताड़का आवे तो मार देना। पांच बार विश्वामित्र जी ने कहा। राम जी ने सोचा, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को चैन मिलेगा नहीं, लेकिन मैं मारूं तो कैसे मारूं, ताड़का तो अभी तक आई नहीं, आ जाए तब ना मैं मारूं। तो भगवान राम ने सोचा, जब तक ताड़का आएगी और मैं मारूंगा तब तक विश्वामित्र जी की, गुरुदेव की चिंता दूर नहीं होगी, इसलिए अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने बुलाने का उपक्रम किया। क्या किया? बोले, एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः, धनुष की डोरी को भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके खींचा, बाण नहीं चढ़ाया, केवल डोरी को पकड़ करके जोर से खींचा राम जी ने। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। डोरी को पकड़ करके राम जी ने जोर से खींचा और खींच करके जब छोड़ा तो उस डोरी के छूटने पर जो टंकार हुई, पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। वो ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई, कौन आ गया मेरे जंगल में। और उस ध्वनि को सुनकर, उस ध्वनि की ओर ही वो दौड़ पड़ी गर्जना करती हुई। उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का उधर से आ गई। महाराज, चली जाती मुनि दीन दिखाई, चली जाती मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, ताड़का क्रोध करके दौड़ी। जब आई, विश्वामित्र जी ने देखा, एक बार विश्वामित्र जी को लगा, रहे ये दोनों बालक हैं, कहीं ये ताड़का इन बालकों का अनिष्ट न कर दे। एक बार विश्वामित्र जी के मन में भगवान के प्रति माधुर्य भाव प्रकट हो गया, भगवान के ऐश्वर्य को कुछ क्षण के लिए भूल गए विश्वामित्र। भगवान का ऐश्वर्य क्या है? बोले, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ माधुर्य क्या है? बोले, माधुर्य यह है कि ये बालक हैं, सुकुमार हैं। ये भाव विश्वामित्र जी को आया और ऐश्वर्य को भूल गए कुछ क्षणों के लिए, और विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं ये ताड़का इन दोनों कुमारों का अनिष्ट न कर दे।
तुरंत राम लक्ष्मण को पकड़ करके विश्वामित्र जी ने अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और सामने स्वयं खड़े होकर के ताड़का को डांटा और ताड़का वहीं रुक गई। विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ। विश्वामित्र जी के तपोबल से वो ताड़का वहीं रुक गई, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। राम जी ने देखा अरे गुरु जी तो हमको बालक ही समझते हैं, तो जब बालक समझते हैं तो थोड़ी बाल लीला ही हो जाए। और जो ही विश्वामित्र जी ने पकड़ करके राम लक्ष्मण को अपने पीठ के पीछे छुपाया, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ करके पीछे किया, तो राम जी ने भी क्या किया, बोले जोर से विश्वामित्र जी के पांव को पकड़ लिया, अरे गुरु जी बचाओ, जैसे बच्चे डरते हैं उसी प्रकार, और गुरु जी की धोती में ही छिपने लगे, उसी में मुंह छिपाने लगे। राम जी ने कहां से दो बच्चे हम पकड़ लाए, क्या होगा इनसे। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अगले क्षण ही विश्वामित्र जी ने सोचा ताड़का से तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन इन बालकों के मन में कहीं भय व्याप्त न हो, इसलिए दोनों बालकों को आगे लाकर हृदय से लगाया और राम लक्ष्मण के सिर पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी ने कहा जयम चैवाभ्यभाषत। दोनों के मस्तक पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी ने कहा हे राम हे लक्ष्मण तुम्हारी जय हो, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारी विजय हो। और ज्यों ही विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया तुम्हारी जय हो विजय हो, राम जी ने कहा गुरु जी अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब इस ताड़का को मैं मार देता हूं। बोले पहले भी तो मार सकते थे, लेकिन अब क्यों मारने को तैयार हो गए राम जी, अभी तक तो डरने का नाटक कर रहे थे, अब मारने के लिए तैयार हो गए, बोले मार देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये बड़ी बलिशाली है, ये राक्षसी बड़ी भयानका है, बड़ी भयानक है। राम जी ने कहा गुरुदेव कुछ भी हो अब तो आपका आशीर्वाद मिल गया, और गुरु का जब आशीर्वाद मिल जाए, गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान, क्या दिक्कत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया आप कोई चिंता नहीं है। और विश्वामित्र जी के देखते देखते राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन जाने तेने ज पद दीना, तीन जाने तेने ज पद दीना, तीन जाने तेने ज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का वध कर दिया। ताड़का को मारने के बाद उस जंगल में एक रात्रि भगवान ने विश्राम किया है, उस जंगल को पवित्र करने के। एक रात्रि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी उस जंगल में रुके, दूसरे दिन प्रातःकाल वहां से आगे चले। श्री रामावतार में और श्री कृष्णावतार में, दोनों अवतार में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को ही मारा है। कृष्णा अवतार में भी सबसे पहले किसको मारा, बोले पूतना को मारा, और रामावतार में भी सबसे पहले ताड़का को मारा। और दोनों के नाम भी तीन अक्षर के ही हैं, ताड़का पूतना, और दोनों राक्षसी हैं, और दोनों क्या हैं, कहते हैं ये अविद्या है, अविद्या रूपणी ताड़का का और अविद्या रूपी पूतना का भगवान श्री राम ने और कृष्ण ने संहार किया है। ताड़का का वध करने के बाद एक रात्रि वहां विश्राम करके भगवान दूसरे दिन वहां से चले और विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जाने के पहले विश्वामित्र जी ने जो बाकी विद्याएं बची थी, अस्त्र शस्त्र, वो सब कुछ राम जी को अर्पित कर दिया। कौन से अस्त्र शस्त्र, बोले आज जैसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे महाराज कि उनको लेकर के कंधे पर ढोना पड़े। आज एक बंदूक भी खरीद लो तो कंधे पर उसको 16 किलो की बंदूक लेकर के ढो, कहां रखें, कहां रखें, क्या करें। लेकिन विश्वामित्र जी ने जो अस्त्र शस्त्र अर्जित किया था वो तपस्या के द्वारा अर्जित किया था और वो मंत्रमय थे।
मंत्र का अनुसंधान करने पर वो अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाते, ऐसे मंत्रमय थे। उन सारे अस्त्र शस्त्रों को, उन विद्याओं को विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दिया। आयुध सर्व समर्पिकए तब निज आश्रम आनी। सारे आयुध अस्त्र शस्त्रों को विश्वामित्र जी ने राम जी को समर्पित कर दिया। जब योग्य शिष्य मिल जाता है तो गुरु अपनी संपूर्ण विद्या उस शिष्य में विसर्जित कर देते हैं। अगर योग्य शिष्य न मिले तो वो विद्या उन गुरु के साथ ही इस दुनिया से चली जाती है। लोग कहते हैं महाराज इतने बड़े विद्वान थे, किसी को अपना ज्ञान दिया नहीं। बोले कोई अधिकारी नहीं मिला, कोई योग्य अधिकारी जब मिलता है तभी वह ज्ञान उसमें विसर्जित होता है। विश्वामित्र जी ने सब अस्त्र शस्त्र सौंप दिया और फिर राम लक्ष्मण को लेकर के अपनी कुटिया में पहुंचे। और जब पहुंचे तो उसी समय राम जी ने कहा गुरु जी आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ले लो और यज्ञ शुरू हो। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगव। हे मुनिवर आज ही आप दीक्षा ले लें और आपका यज्ञ प्रारंभ हो। अद्यैव दीक्षां प्रविश। दूसरा चेला होता तो कहता गुरु जी इतनी दूर से चल करके आए हैं थके मांदे, अब एक दो दिन आराम कर लें तो कल से आपका काम करेंगे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य महत्वपूर्ण है। और राम जी ने कहा आप यज्ञ प्रारंभ करो। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगवः। मुनि पुंगवः राम जी ने इस प्रकार जब कहा तो विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की दीक्षा लेकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और जब मंत्र का उच्चारण होने लगा, यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो सुबाहु और मारीच जो यज्ञ में विघ्न करते थे वो सब चल पड़े। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, सोली मारी चुनी साजर क्रोही, सोली मारी चुनी साजर क्रोही, ने सहाय धावा मुनि द्रोही, ने सहाय धावा मुनि द्रोही, होम करने लागे मुनि जारी, होम करने लागे मुनि जारी, बिनु फरवाली राम ते ही मारा, बिनु फरवाली राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, पापक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कटक संघारा, अनुज निसाचर कटक संघारा, होम करने लागे मुनि जारी। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ प्रारंभ करते हैं। आहुतियां जब यज्ञ कुंड में पड़ने लगी, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, मंत्र का उच्चारण हो रहा था, मारीच और सुबाहु नहीं आए। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, छह दिन बीत गए महाराज, न मारीच आया न सुबाहु आया। और छह दिन छह रात्रि तक राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप की रक्षा में खड़े रहे। ये साधारण यज्ञ नहीं था, ऐसा नहीं था कि दिन में विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तब तक राम जी धनुष बाण लेकर के खड़े रहे, और जब विश्वामित्र जी यज्ञ करके और जाकर के विश्राम करें तो राम जी भी जाके सो जाएं।
यज्ञ समाप्त करने के बाद आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग अपने अपने निवास में जाकर के विश्राम करते, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप के चारों तरफ धनुष बाण लेकर के घूमते रहते थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। अनिद्रम षड अहोरात्रम, छह दिन छह रात्रि तक अनिद्रम, एक क्षण भी राम जी ने निद्रा नहीं ली, नहीं सो। छह दिन बीत गया, सातवां दिन जब हुआ तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, आज पूर्णाहुति का दिन है और आज असुरों के आने का समय भी है। अभी तक तो नहीं आए लेकिन आज वो निश्चित आएंगे, क्योंकि आज यज्ञ का समापन है। और राम जी चर्चा कर रहे थे तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। मारीच सुबाहु आए तो भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय मानवास्त्र से राम जी ने मारीच को मारा। और मानवास्त्र की विशेषता क्या थी? बोले मानवास्त्र से मारने पर मारीच मरा नहीं, अपितु मानवास्त्र मारीच को लेकर के बहुत दूर चला गया, सौ योजन दूर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। सत योजन गा सागर पारक। मारा क्यों नहीं राम जी ने? बोले राम जी ने सोचा इसको अभी मारना नहीं है, क्योंकि आगे लीला में यही तो मृग बनेगा, और जब ये मृग बनेगा तब सीताहरण होगा, जब सीताहरण होगा तभी रावण का मरण होगा, इसलिए सारी योजना तो भगवान की पहले से फिक्स है, इसलिए भगवान ने मारीच को उठा करके फेंक दिया। सत योजन का सागर पारा, सौ योजन दूर गया। कहाँ जाकर के गिरा? बोले समुद्र के मध्य में एक टापू था, उसी टापू में गिरा जाकर के मारा। आज भी वो छोटा सा देश है जिसका नाम मॉरिशस है, मारीच वहीं गिरा जाकर के फेंका। महाराज मारीच जाकर के वहां गिरा मॉरिशस में। अब तो सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा, बाकी जितने राक्षस थे उनको लक्ष्मण जी ने मार डाला। भगवान ने तो दो को मारा, मारीच को और सुबाहु को, और बाकी जो उनके साथ हजारों आए थे उनको लक्ष्मण जी ने निपटा दिया। मारा जब बाकी राक्षस मर गए तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये बाकी राक्षस कहां गए? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमने मार दिया। बोले मार तो दिया लेकिन उनका शव कहां है, उनके शरीर कहां है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब इनके रिश्तेदार नातेदार तो यहां थे नहीं जो इनका शव ले जाते, कौन अंतिम संस्कार करता, और इन महात्मा की कुटिया में चारों तरफ मुर्दे पड़े रहे ये भी ठीक नहीं, तो मैंने इनको आग्नेयास्त्र से जला भी दिया। राम जी ने कहा जला दिया तो इनकी राख कहां है? लक्ष्मण जी ने कहा इनकी राख अगर यहां पड़ी रहती तो उड़ करके इन महात्माओं की कुटिया में गिरती, इनके यज्ञशाला में जाती, इसलिए हमने उस राख को भी वायव्यास्त्र के द्वारा उड़ा करके ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। राम जी ने कहा रे लक्ष्मण हमने तो दो को निपटाया और तुमने इन साहब को साफ कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज का पराक्रम अद्भुत पराक्रम है, इसीलिए राम जी कहते हैं कि मेरे लक्ष्मण में वो शक्ति है कि पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं उनको पलक झपकते मेरा लक्ष्मण मार सकता है। भगवान श्री राम कहते हैं जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह देते।